दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि आप अपने मोबाइल की पूरी फॉन्ट को कलर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बताए हैं, सिर्फ अपने मोबाइल की सेटिंग से आप अपने पूरे फॉन्ट को, यानी ये जो लिखावट आपको दिख रहा है, जहाँ प्ले स्टोर, यूट्यूब, ये सारी चीज़ जो लिखी हुई है, इन सब चीज़ों को आप कैसे कलर कर सकते हैं। जैसे कि सेटिंग में जब जाते हैं तो लिखावट आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको लिखावट दिखता है, तो इन सब फॉन्ट को आप कलर कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरी सेटिंग ही कलर हो चुकी है। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पे जाइएगा तो फॉन्ट चेंज मिलेगा, फेसबुक पे जाइएगा तो फॉन्ट चेंज मिलेगा, यानी कि पूरी ही सेटिंग का फॉन्ट कैसे चेंज करना है बिना किसी एप्लीकेशन के। तो फ्रेंड, यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं और इस तरीके का फॉन्ट चेंज कर आप अपने फोन में लगाना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, पूरा सीखिए। तो फ्रेंड, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को यहां से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबा के आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एक कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में आना है और आपको एक यहाँ पर कॉमेंट करना है। कॉमेंट में दोस्तों आप नाइस, ऑसम या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, और मैं आपके कमेंट को यहां से दोस्तों लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं। इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के सारे फॉन्ट को चेंज करेंगे। जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे पूरे फॉन्ट चेंज हो चुके हैं क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा फ़ोन का फॉन्ट ही चेंज हो गया है। अब मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में जाता हूँ तो देख सकते हैं कि सेटिंग का भी पूरा फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं कि सेटिंग का भी पूरा फॉन्ट चेंज हो गया है। तो इस तरीके का आप भी अपने फ़ोन का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर में करना चाहते हैं उस कलर में आप कर सकते हैं, जिस कलर में आप करना चाहते हैं उस कलर में अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसे करना है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया हूँ। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को देखकर या सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपली आपको करना क्या है कि हर फोन में एक फ़ोन के तरफ से एक एप्लीकेशन मिलता है जिसका नाम होता है थीम। जी हाँ फ्रेंड, थीम्स, इस थीम्स वाले एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का इस तरीके का थीम्स एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थीम्स वॉलपेपर, रिंगटोन और फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है। किसी किसी फ़ोन में ऊपर की ओर यहाँ पर दिखता है, मेरे फ़ोन में यहाँ पर देखिए फॉन्ट का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, तो इस फॉन्ट वाला पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर माई फॉन्ट, यानी कि अभी फ़िलहाल मैंने इस फॉन्ट को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन के लिखावट को इस तरीके का बना सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कलर करने का बताया हूँ कि कलर कैसे करना है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो आपको कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए कलर का भी ऑप्शन मिल गया। यहाँ देख सकते हैं ऐड कलर टू लाइफ, यानी कि बहुत सारे कलर मिल गए हैं। यहाँ पर देखिए मोर के ऊपर में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी कलर फुल होंगे वह सारे आपको यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का फॉन्ट लगाना तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का फॉन्ट हो जाएगा, आपके फ़ोन का जो फॉन्ट है इस प्रकार का हो जाएगा। यदि आपको यह वाला पसंद है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं रेड कलर का लगाऊंगा, तो रेड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का जो फॉन्ट है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आपको जो भी पसंद होगा अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अब क्या करना है ध्यान से देखिए, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखिए फ्री लिख रहा है, यानी कि यह फॉन्ट फ्री है, बिल्कुल फ्री में हम इसको लगा सकते हैं। आप अपने फ़ोन में देख लीजिएगा, यदि आपके फ़ोन में भी फ्री लिख रहा है तो बस आपको इस फ्री बटन पे क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर डाउनलोडिंग होगा और डाउनलोडिंग होकर यह आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो बस आपको इस अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हैं कैंसल एंड रिबूट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको बस इस रिबूट बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही रिबूट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है रिबूट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ़ोन बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद थोड़ी देर में ऑटोमेटिक जो फ़ोन है आपका खुल जाएगा और आपका फ़ोन चेंज हो जाएगा। तो मैं अपने फ़ोन को रिबूट कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को रिबूट किया तो मेरा फ़ोन देखिए कुछ इस प्रकार का हो गया, क्योंकि मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया था तो मेरा फ़ोन रेड कलर का हो गया। अब मैं अपने फ़ोन की सेटिंग पे जाता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन की सेटिंग पर भी रेड कलर के सारे फ़ोन हो गए। यानी कि आप यदि फेसबुक पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, आपका जो फ़ोन है रेड कलर का हो गया है। मैं अपना YouTube ही खोल के दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरे सारे जो फॉन्ट हैं रेड कलर के हो गए हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन के सारे फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।